गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th आर्य सवाल की टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3E की क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके पास लग गया होगा, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इन सारे क्वेश्चन में करेंगे क्या। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके हेल्प से जो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, इसमें जाहिर सी बात है पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो जाहिर सी बात है दो चीजों को फाइंड करना होगा, वो हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, तो एक को क्या करेंगे हम लोग एक्स एज्यूम कर लेंगे और दूसरे को हम लोग वाई एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे। दो इक्वेशन बनने के बाद आपको जो मेथड आसान लगता है उस मेथड से क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 1 पढ़िएगा, मेरे पास क्या बोला गया है, 5 chairs and 4 tables टुगेदर कॉस्ट 5600। मतलब 5 chairs and 4 tables का कॉस्ट कितना बोल रहा है, 5600। ठीक है, वाइल 4 chairs and 3 tables टुगेदर कॉस्ट 4340 ऐसा दिया गया। तो फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को चलना है फाइंड करने की तरफ, जिसके हेल्प से हम लोग कुछ एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड दैट ऑफ अ टेबल। मतलब एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन से हम लोग को पता चल गया कि एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट फाइंड करना है, तो हम लोग उसको एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग एज्यूम किए हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, मतलब एक चेयर का कॉस्ट हम लोग क्या एज्यूम कर ले रहे हैं, एक्स रुपीज एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, क्या एज्यूम कर रहे हैं, एक्स रुपीज एज्यूम कर रहे हैं, और दूसरे को क्या एज्यूम कर लेंगे, बाई। चेयर के बाद किसका कॉस्ट निकालना है, पढ़िएगा क्वेश्चन में, दैट ऑफ अ टेबल, मतलब टेबल का भी कॉस्ट फाइंड करना है। तो एक टेबल का कॉस्ट हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम लोग बाई एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग एज्यूम करने वाला कर लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पढ़ सकते हैं, 5 chairs and 4 tables टूगेदर कॉस्ट 5600। मतलब क्या कि 5 tables और 4 chairs का कॉस्ट कितना दे रहा है, 5600 दे रहा है। ठीक है, जब हम लोग को पता है कि एक चेयर का कॉस्ट एक्स रुपीज है, तो 5 chair का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा क्या, एक चेयर का कॉस्ट एक्स रुपीज, तो 5 tables का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़िए, क्या बोल रहा है, 5 chairs मतलब 5 करेंगे, 5 ये 5 कर लिए, और क्या चेयर, एक चेयर का कितना कॉस्ट है एक्स, तो 5 chair का 5x हो जाएगा। एंड बोल रहा है, एंड का मतलब क्या है कि दोनों का सम होगा कुछ, और क्या बोल रहा है, 4 tables, एक टेबल का दाम, एक टेबल का कितना है कॉस्ट, 5 rupees, तो 4 table का कितना हो जाएगा, 4y हो जा रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने पे कितना आ रहा है, 5600 आ रहा है। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, कॉस्ट आ गया, इसको इक्वेशन नंबर आप लोग 1 मान लीजिएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे, दूसरा इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। देखिए आगे क्या बोल रहा है, यहाँ फिर से लिखिएगा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे पूरा आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पे पढ़िएगा, वाइल 4 chairs, मतलब 4 chairs का रेट, ठीक है, एक चेयर का 1, तो 4 chairs का 4x प्लस साइन, एंड बोल रहा है देखिएगा, 3 tables, एक टेबल का कितना, 5 rupees, तो 3 tables का कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, इक्वल टू कितना दे रहा है, 4340 दे रहा है, ये दे रहा है। और इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर देंगे, यही दे रहा है ना, चलिए यही दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, मेरे पास 2 इक्वेशन निकल गया है, आपकी मर्जी किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा लगता है, तो मैं हर एक क्वेश्चन में क्या ट्राई करूंगा कि एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करूँ। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड आप लोग पढ़े होंगे एक्सरसाइज 3B में, अगर नहीं पढ़े तो सबसे पहले पढ़ के आइए। ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या करते थे, या तो x को इक्वल करते थे या तो y वाले को इक्वल करते थे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग किसको करेंगे, y वाले को इक्वल करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए x वाले में 5 और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, और y वाले में 4 और 3, मतलब x वाले से कम वाला है। ठीक है, तो 4 और 3 ये ज्यादा आसान है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो हम लोग y वाले को इक्वल करेंगे। तो करते कैसे थे, तो यहाँ पे लिखिएगा बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखिएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट y को इक्वल करना, तो किससे करते थे, 3 से करते थे, इनटू 3। ठीक है,
उसके बाद क्या देखिए, दोनों प्लस का साइन है तो हम लोग माइनस कर देते थे क्या, ठीक है तो माइनस यहाँ कर देंगे, और उसके बाद सेकंड, सेकंड के बाद क्या है, सेकंड इंटू कितना कर लेंगे, ये जो बाई था बाई की जगह फोर ऐसे कर लेते थे। आपको एलिमिनेशन मेथड आता है इसलिए मैं ये सोचकर आगे ऐसे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं आता तो सबसे पहले आप पढ़ कर आइए, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, देखिए फर्स्ट को किसे करना है, थ्री से करना है, ठीक है। तो फाइव को सबसे पहले थ्री से कर लीजिए, कितना आएगा 15x आ जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, फोर को थ्री से करेंगे कितना आ जाएगा 12y आ जाएगा, इक्वल का साइन है इक्वल दे देंगे, इसको थ्री से कीजिए तो कितना आ जाएगा 18 और वन कितना 15 1 16, और यहाँ पे 00 है तो 00 ऐसे दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सेकेंड को फोर से करना है, सेकेंड को क्या करना है फोर से करना है, तो फोर से कीजिए कितना आ जाएगा 4 4 16 हो जाएगा एक्स, प्लस का साइन दे देंगे 4 3 12y हो जाएगा, देखिए मैच कर गया इक्वल टू। अब इसको किससे करना है, फोर से करना है, तो कितना कर लेंगे 0 4 4 16 1 12 13, और कितना आ गया 13, और यहाँ पे 1 16 17 आ गया, ठीक है। माइनस का साइन है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, साइन को चेंज करते थे, याद होगा आपको माइनस माइनस माइनस, ठीक है। चलिए तो इसको ऐसे ही काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए 15x माइनस 16x, मेरे पास माइनस में x आएगा क्या, माइनस में x आएगा क्या, जो साइन चेंज होता है अब इसका ये हो जाता है, ठीक है याद होगा आपको। अब इक्वल का साइन दे देंगे, देखिए अब बड़े वाले से छोटे को घटाइए, लेकिन साइन किसका दे देंगे, माइनस का, माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है, ठीक है। तो 17360 और यहाँ पे क्या कर लेंगे 16800, ठीक है 06, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 35 और ये, ठीक है तो कितना आ गया 560 आ गया, मतलब क्या यहाँ पे ये माइनस में है तो माइनस माइनस कट कर दीजिए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा, मतलब x क्या था मेरा, x था एक चेयर का कॉस्ट, तो एक चेयर का कॉस्ट कितना आ गया 560 रुपीज, ठीक है। आगे लैंग्वेज में आपको लिखना है, सबसे पहले हम लोग y निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये जो x आता था किसी एक में पुट कर दीजिए दोनों में से, आपका y निकल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड वाले में पुट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आसान ये लग रहा है हमको, ठीक है। आप फर्स्ट वाले में भी करके कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बाई पुटिंग, बाई पुटिंग, बाई पुटिंग, क्या लिखेंगे x, x इन इक्वेशन क्या, चलिए आप लोग ज्यादा बोल रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट में ही डाल देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 5 है तो 5 लिख लेंगे, x, x कितना निकाले हम लोग 560 निकाले हैं क्या, तो x के बदले हम लोग क्या कर लेंगे 560 कर लेंगे, ठीक है। प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, उसके बाद 4y है 4y कर लेंगे इक्वल टू 5600 कर लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 6 6 कितना 33 25 और 28 आ जाएगा, ठीक है इतना ही आ जाएगा। प्लस 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5600 आ जाएगा, 4y को ऐसे ही रखिए, इसको उधर कर दीजिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस में चला जाएगा 5600 माइनस 2800 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2800 आ जाएगा, ठीक है 2800 आ गया, मतलब 4y इक्वल टू कितना आ गया 2800, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2800 बाई 4, तो इसको कट कीजिएगा तो 700 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज में उसके बाद निकालने के बाद लिखना है, इसको बॉक्स में घेर दीजिएगा और इसको भी बॉक्स में घेर दीजिएगा, उसके बाद आपको लैंग्वेज में लिखना है हेंस द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, यहाँ पे ब्रैकेट x लिखिएगा इक्वल टू कितना 560 रुपीज, एंड नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इक्वल टू 700 रुपीज, उसके बाद उसको बॉक्स में घेर कर लिख दीजिएगा, आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड क्या करना है उसको देख लीजिए, और हम लोग एक को x एज्यूम कर लेंगे और दूसरे को y एज्यूम कर लेंगे। तो सबसे लास्ट में पढ़िएगा क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ स्पून एंड दैट ऑफ अ फॉर्क, मतलब एक स्पून का कॉस्ट और एक फॉर्क का कॉस्ट को हम लोग को फाइंड करना है, तो वही हम लोग एज्यूम कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ अ स्पून इज कितना, हम लोग x रुपीज इसको एज्यूम कर लेंगे और दूसरे वाले को फॉर्क के y रुपीज एज्यूम कर लेंगे। अब क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, उसके बाद दो इक्वेशन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो बस एक काम करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा गया, 23 स्पून्स एंड 17 फॉर्क्स टुगेदर कॉस्ट 1770, मतलब क्या कि 17 सॉरी 23 स्पून, एक स्पून का कॉस्ट कितना है x रुपीज,
तो 23 स्पून का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 23 इंटू एक्स कर लेंगे, एक का स्पून का एक्स रुपीज, 23 स्पून का कितना 23x। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा पढ़िए आगे क्या बोल रहा है, 17 फॉर्क, एक फॉर्क का वाई रुपीज, तो 17 फॉर्क का मेरे पास वाई 17y हो जाएगा क्या, और दोनों का कॉस्ट मिला दिया जाए तो क्वेश्चन में बोल रहा है कितना आ जा रहा है, 1770 आ जा रहा है, कितना आ रहा है 1770 आ जा रहा है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन फाइंड करेंगे, देखिए आगे पढ़िए वाइल, वाइल के बाद दूसरा इक्वेशन के लिए यहाँ से वाइल 17 स्पून, ठीक है एक स्पून का एक्स, तो 17 स्पून का कितना हो जाएगा 17x प्लस, उसके बाद क्या बोल रहा है 23 फॉर्क्स, 23 फॉर्क एक फॉर्क का वाई, तो 23 फॉर्क का कितना हो जाएगा 23y इक्वल टू कितना दे रहा है मेरे पास 1830 दे रहा है। ठीक है 1830 दे रहा है, यही दे रहा है ना, हाँ यही दे रहा है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, आपकी मर्जी किसी और मेथड से यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है चलिए, लेकिन अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो यहाँ एक दिक्कत आएगी, क्या कि किसी एक को 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, एक को 23 से, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने बीच में ऐसे क्वेश्चन भी आए थे जिसमें क्या हो, ये 23 ऐसे बदल जाए, मतलब अगर x के लिए 23 आ रहा है तो y के लिए मतलब सेम वैल्यू इंटरचेंज कर जाता था, तो उस केस में मैंने आपको एक सिंपल सा स्टेप बताया था, क्या करते थे कि एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उस केस में क्या आएगा कि ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड बन के आया 23 17 जो करना था, अब उससे आपको थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए पहला काम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दो नया इक्वेशन मिलेगा और वो थोड़ा सा इजी इक्वेशन होगा। ठीक है चलिए करते हैं, तो फर्स्ट काम क्या करेंगे, 1 प्लस क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 कर रहे हैं। ठीक है 1 प्लस 2 कर रहे हैं, तो देखिए क्या निकलता है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे 23x प्लस 17y इक्वल टू कितना 1770, और दूसरा कितना है 17x प्लस 23y इक्वल टू कितना 1830 कर लेंगे। ठीक है ऐड कर रहे हैं तो साइन तो चेंज होगा नहीं, ठीक है ऐड कीजिए कितना आ जाएगा मेरे पास 17 प्लस 23 40x प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ भी देखिए 17 प्लस 23 40x, ठीक है सॉरी 40y इक्वल टू ऐड कर दीजिए 0 0 कितना आ जाएगा 16 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है 40x प्लस 40y इक्वल टू 3600, दोनों से हम लोग 40 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा, और इसको कट करना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से 10 से 10 कट कीजिए, इसको उधर को भी करके कर सकते हैं, और इसको ये 9 टाइम्स में 90 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है मतलब क्या कि एक सिंपल सा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 90 आ गया, वैसे ही अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो नया इक्वेशन मिल जाएगा और वो भी एक ईजी सिंपल सा इक्वेशन होगा। ठीक है तो अब दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 माइनस क्या कर रहे हैं 2 कर रहे हैं। ठीक है यहाँ दिख जाएगा ना, दिख जाएगा चलिए, तो 1 कितना है मेरे पास 1 है 23 23x प्लस कितना है y इक्वल टू 1770 है, और दूसरे में कितना है 17x प्लस 23y इक्वल टू कितना है 1830 है। ठीक है दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर लेते हैं और उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है चलिए देखिए 23 माइनस 17 कितना हो जाएगा मेरे पास 6x हो जाएगा क्या, तो यहाँ से 6x ले ली, दिख रहा है ना आप लोग को, चलिए दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है 17y माइनस, अब ये माइनस हो गया 23y कितना माइनस 6y हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए कितना आ जाएगा 8, ठीक है और 1770 इसको 0 कर लीजिए 336 आ जाएगा, मतलब ये माइनस में आएगा, माइनस क्यों आएगा क्योंकि ये बड़ा वाला टर्म मेरे पास माइनस में है, तो कितना आ जाएगा माइनस 60 आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ क्या आया, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ क्या आ रहा है। ठीक है यहाँ पे जो आ रहा है 6x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 60 आ रहा है। ठीक है अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों में से 6 को कॉमन लेकर उधर कर दीजिए, एक और इजी सा मेरे पास इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है तो दोनों से क्या कर रहे हैं, 6 को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास x आ जाएगा माइनस 6 को कॉमन ले चुके हैं y इक्वल टू माइनस 60 हो जाएगा, और इसको अगर कट करना चाहें तो 10 टाइम्स में कट कर सकते हैं, मतलब क्या कि माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आया माइनस 10 आ गया। देखिए अब एक यहाँ पे इजी सा इक्वेशन है, इसको थर्ड एज्यूम कर लीजिए
और एक यहाँ पे इजी सा इक्वेशन, इसको फोर्थ एज्यूम कर लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में कट जाएगा और एक्स का कुछ वैल्यू आ जाएगा, और उस एक्स के वैल्यू को इसमें या फिर इसमें रख दीजिए, वाई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बस वही करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 + 4 कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन 3 + 4 कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसमें अगर करते तो देखिए, फर्स्ट वाले में अगर वाई को ही मिलाना होता तो इसमें 23 से मल्टीप्लाई करते, इसमें 23 से, इसमें 23 से, इसमें 23 से, थोड़ा सा लेंदी हो जाता, उससे बचने के लिए हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ गए, ठीक है। चलिए तो करते हैं, मेरे पास थर्ड कितना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 दिया है, और सेकेंड क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -10 है, ठीक है। साइन चेंज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कर लेते हैं, देखिए एक्स ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 - 10, 80 हो जाएगा क्या। तो यहाँ से x निकालना चाहें तो 80 / 2 कर लीजिए, मेरे पास 40 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू 40, मतलब एक स्पून का कॉस्ट कितना आ गया, 40 आ गया। हम लोग y का निकालते हैं, बस कुछ नहीं कीजिए, y x का वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए, तो हम लोग फर्स्ट थर्ड में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखिएगा बाई पुटिंग एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, ठीक है। एक्स कितना है मेरे पास, 40 निकाले यहाँ देखिए, ठीक है 40, तो 40 पुट कर लीजिए, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, वाई का तो वैल्यू फाइंड करना है, इक्वल टू 90, ठीक है। वाई यहाँ से निकालना चाहे तो 90 तो है, इसको उधर कर दीजिए, -40 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब लास्ट में लिखिएगा, हेंस द कॉस्ट ऑफ अ स्पून इक्वल टू एक्स, माने तो एक्स कितना आया, 40 रुपीज। लास्ट नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, द कॉस्ट ऑफ अ फोर्क इक्वल टू वाई, माने थे तो 50 रुपीज, ठीक है। उसको लिखकर बॉक्स में घेर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा, सबसे पहले पढ़ेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे फाइंड क्या करना है, और जो चीज फाइंड करना है उसको एक को एक्स एज्यूम कर लेंगे, दूसरे को वाई एज्यूम कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया, ए लेडी हैज ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा क्वाइन इन हर पर्स, मतलब एक लेडी है जिसके पास 25 पैसे का कुछ क्वाइन है और 50 पैसे का कुछ क्वाइन है ऐसा उसके पर्स में, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। इफ सी हैज 50 क्वाइंस इन ऑल, मतलब अगर उसके पास टोटल क्वाइंस के नंबर ऑफ क्वाइंस कितने हैं, 50 है, और जिसकी अगर रुपए में बात किया जाए तो 19.50 रुपीज है उसके पास टोटल मिलाकर, ठीक है। तो फाइंड क्या करना, हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ ईच काइंड डज सी हैव, मतलब उसके पास जो 25 पैसे का क्वाइन है और 50 पैसे का क्वाइन है, उस क्वाइंस का नंबर, मतलब कितने उसके पास 25 पैसे का क्वाइन है और 50 पैसे का क्वाइन है, इस उसके नंबर को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग जो 25 पैसा का क्वाइन है उसके नंबर को हम लोग मान लेते हैं कि उसके पास एक्स नंबर ऑफ 25 पैसा क्वाइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एज्यूम मान लेंगे, हम लोग कर लेंगे द नंबर ऑफ 25 पैसा क्वाइन इज एक्स एंड द नंबर ऑफ 50 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा का था, इसको हम लोग वाई एज्यूम कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा गया है, अ लेडी हैज ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा क्वाइन इन हर पर्स, इससे तो इक्वेशन नहीं बना, इससे पता चल गया कि उसके पास एक 25 पैसे का और एक 50 पैसे, मतलब 25 पैसे का क्वाइंस है कुछ और 50 पैसे का क्वाइंस है कुछ। आगे पढ़ते हैं, इफ सी हैज 50 क्वाइंस, मतलब उसके पास टोटल कितने क्वाइंस है, 50 क्वाइंस है, मतलब क्या कि 50 पैसे का क्वाइंस कुछ भी नंबर हो और 25 पैसे का कुछ भी, मतलब 25 पैसे का क्वाइंस का नंबर प्लस 50 पैसे का क्वाइंस का नंबर, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना क्वाइंस है उसके पास, 50 क्वाइंस है, मतलब क्या कि x प्लस y, मतलब नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 25 पैसा प्लस नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 50 पैसा इक्वल टू टोटल उसके पास 50 क्वाइंस है। नंबर ऑफ क्वाइंस कितने हैं, टोटल 50 है, तो हम लोग दोनों क्वाइंस के नंबर को ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 50 आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक इक्वेशन मिला, आगे दूसरे इक्वेशन के लिए थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए, आगे पढ़िए, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन ऑल टोटलिंग 19.50, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स तो 50 है, लेकिन अगर रुपए की बात की जाए तो 50 पैसे और 25 पैसे के रुपए को मिलाकर कितना उसके पास है, 19.50, मतलब 19.5 रुपए उसके पास है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मेरे पास क्या दिया गया है, ये मेरे पास रुपीज में दिया गया है, किस में दिया गया है, ये मेरे पास रुपीज में दिया गया है, ठीक है।
और हम लोग के पास कौन सा है, पैसे में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम लोग पैसे में चेंज कर लेंगे। तो इसको अगर पैसे में चेंज करेंगे तो 90-50 पैसा इतना हो जाएगा क्या, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रुपीज को पैसा में चेंज करना है तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, ऐसा पता है। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए मेरे पास टोटल कितने रुपीज पैसे हैं, 1950 पैसे हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे पास 25 पैसे का कुछ क्वाइन होगा। ठीक है, मेरे पास 25 पैसे का कुछ क्वाइन होगा, कितना क्वाइन है हम लोग को नहीं पता, उसको हम लोग एक्स एज्यूम किए। ठीक है, मतलब 25 पैसे का कुछ क्वाइन प्लस 50 पैसे का कुछ क्वाइन होगा, कितना क्वाइंस है वही तो हम लोग को फाइंड करना है। तो 50 पैसे का कुछ क्वाइंस होगा, कितना क्वाइंस है, नंबर ऑफ क्वाइंस वाई है, मतलब 50 पैसे जितने हैं मतलब रुपीज में, मतलब 50 हो कुछ होगा, 5, 6, 7 कुछ भी होगा, 25 पैसा और 50 पैसे का कुछ भी होगा, दोनों का ऐड कर दिए तो टोटल रुपीज उसके पास कितना है, 90-50 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, ये दूसरा इक्वेशन बना लिए। ठीक है, चलिए आप कुछ नहीं कीजिए, दोनों में आप 25-25 कॉमन दिख रहा होगा तो बस 25 दोनों से कॉमन निकाल लीजिए और उधर कर दीजिएगा तो आसान हो जाएगा। ठीक है, 25 एक्स प्लस यहाँ कितना, 50 में से 25 कॉमन लिए 2 हो गया और यहाँ पे y हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, 90-50 हो गया। ठीक है, और आसान करना चाहें तो 50 को 25 को उधर कर दीजिए डिवाइड में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 90-50 डिवाइडेड बाई 25, इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 7 टाइम्स में और 200 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 78 आ जाएगा, मतलब क्या, x प्लस 2y इक्वल टू 78 आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कि मेरे पास एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता था, या तो x को इक्वल करना होता था या तो y को इक्वल करना होता था। यहाँ पे देखिए x दोनों में इक्वल है तो हम लोग को कुछ मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, बस क्या कीजिए सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सेकेंड में से ही फर्स्ट क्यों, क्योंकि सेकेंड वाला वैल्यू ज्यादा है, फर्स्ट वाला वैल्यू कम है, इसलिए। ठीक है, चलिए, नहीं तो फर्स्ट में से सेकेंड को भी कर सकते हैं, उसमें निगेटिव में आएगा, दोनों तरफ निगेटिव कट जाएगा, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप फर्स्ट में से सेकेंड को कीजिए, सेम आंसर आएगा, निगेटिव आएगा, दोनों काट दीजिएगा दोनों तरफ। ठीक है, चलिए तो सेकेंड क्या है मेरे पास, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू मेरे पास 78 है, और फर्स्ट क्या है मेरे पास, फर्स्ट यहाँ से देख सकते हैं, एक्स प्लस y इक्वल टू मेरे पास 50 है। ठीक है, माइनस करना है तो सबका साइन चेंज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिए तो x x कट गया, 2y माइनस y कितना, y आ जाएगा क्या, ठीक है, और 78 माइनस 58 मेरे पास कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, मतलब क्या कि ये y किसका है, आप 50 पैसे का क्वाइन उसके पास कितना है, नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइन उसके पास 28 है। ठीक है, अब हम लोग ये x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, यहाँ से y दिख रहा होगा, अब क्या करेंगे, y का वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर देते हैं। ठीक है, लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो 1 क्या है मेरे पास, x प्लस y इक्वल टू 50 है, तो y क्या निकाले हम लोग, y निकाले यहाँ पे 28, तो 28 कर लीजिए और यहाँ पे 50 लिख लीजिए, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 माइनस 28 मेरे पास 22 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ 25 पैसा क्वाइन कितना आया, 22 आया, तो लिखिएगा हेंस, नीचे लिखिएगा हेंस द नंबर ऑफ 25 पैसा क्वाइन इक्वल टू एक्स माने थे, क्योंकि 22 है उसके पास 25 पैसे का क्वाइन, और नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा द नंबर ऑफ 50 पैसा क्वाइन इक्वल टू 28, उसको बॉक्स में घेर कर लिख दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137, मतलब कोई दो नंबर्स होंगे उनका सम 137 दिया गया है, एंड देयर डिफरेंस इज 43, और उसका डिफरेंस क्या है मेरे पास, 43 दिया गया है, फाइंड द नंबर। ठीक है, वो जो दोनों नंबर है उसको फाइंड करना है। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पे डिफरेंस देने का मतलब क्या है, कि कोई एक नंबर बड़ा होगा मतलब ग्रेटर होगा और दूसरा वाला छोटा होगा। ठीक है, तो हम लोग एक ग्रेटर नंबर को एज्यूम कर लेंगे और दूसरे को स्मॉलर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग मान लेते हैं कि जो मेरे पास ग्रेटर नंबर है वो कौन सा है, मेरे पास जो बड़ा वाला नंबर है, ग्रेटर नंबर है, वो मेरे पास एक्स है। ठीक है, और जो स्मॉलर नंबर है उसको वाई एज्यूम कर लेते हैं। ऐसा कैसे पता चला,
क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में डिफरेंस बोला गया था इसलिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे पूरा लिखेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137, मतलब ये जो एक ग्रेटर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है, दोनों का सम कितना बोल रहा है, 137 बोल रहा है। बस इतना ही आसान था, एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे और दूसरा चीज पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये पूरा लिखिएगा, ठीक है। फिर से आगे क्वेश्चन पढ़िए, एंड देयर डिफरेंस इज 43, मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर को घटाया जाएगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 43 आ रहा है। हम लोग सबसे पहले ग्रेटर नंबर एज्यूम कर लिए x को, मतलब क्या कि यहाँ किससे घटेगा, x माइनस y होगा, मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना दे रहा है मेरे पास क्वेश्चन में, 43 दे रहा है, ठीक है, 43 दे रहा है इसको इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी मर्जी किसी मेथड से सॉल्व कर दीजिए, मुझे तो एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है तो वैसे ही सॉल्व करूंगा। उसमें क्या करना होता था, वाई वाई या फिर एक्स एक्स को मिलाना होता था, दोनों यहाँ पे मिला हुआ है, एक देखिए प्लस में एक निगेटिव में, दोनों को ऐड कर देंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद एक्स का वैल्यू किसी एक में पुट करेंगे, वाई का वैल्यू हम लोग को मिल जाने वाला है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे वाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, क्या 1 + 1 + 2 कर लेंगे, ठीक है, बस 2 कर ले रहे हैं। यहाँ पे 1 कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया गया है, 137 दिया गया है, और दूसरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया गया, 43 दिया गया। करना क्या है, प्लस करना है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, माइनस रहता तब यहाँ पे हम लोग क्या करते, साइन चेंज कर देते, प्लस करना है तो ऐसे ही ऐड कर दीजिए। देखिए x प्लस एक्स कितना, 2x हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस में वाई है, माइनस में वाई है, ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8, 1 आ जाएगा, मतलब 2x इक्वल टू 180 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 बाई 2 आ जाएगा, मतलब कट कीजिए तो मेरे पास 90 आ जाएगा, मतलब x क्या था मेरे पास, ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर कितना आ गया मेरे पास, 90 आ गया। लास्ट में इसको लिख दीजिएगा लैंग्वेज में, ठीक है। अब हम लोग x की हेल्प से y का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा After putting the value of x in equation, किसी में मान लीजिए 1 में ही मान लेते हैं, 1 we get, ठीक है। तो 1 क्या है मेरे पास, x plus y equal to 137 है, ठीक है। तो x का वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं, 90 है, तो यहाँ पे x के बदले 90 पुट कर देंगे, प्लस का साइन दे देंगे, y है, और यहाँ पे 137 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 137, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 90 कर लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो बस इसके आने के बाद लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, हेंस द ग्रेटर नंबर इज, x के बदले क्या है, 90 लिख दीजिएगा, और दूसरे नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा द स्मॉलर नंबर इज कितना, 47। आपका आंसर हो गया, उसको बैक बॉक्स में घेर दीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 5 को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके हेल्प से कुछ एज्यूम करेंगे, उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे, इसको भी सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड इज 92, मतलब दो नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर ऐसे कुछ बोला गया है, मतलब दो नंबर फाइंड करना है, एक फर्स्ट नंबर बोला गया, सेकेंड नंबर, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं, और सेकेंड नंबर जो बोल रहा है क्वेश्चन में उसको हम लोग वाई एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे इक्वेशन बनाएंगे, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़िए, अब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द टू नंबर्स, दो नंबर्स को फाइंड करना है, ठीक है। सच दैट इट्स इस टाइप से है कि द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का ट्वाइस क्या है, फर्स्ट कौन सा है मेरे पास, एक्स, तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा। एंड थ्राइस द सेकेंड, और सेकेंड का थ्राइस क्या होगा, थ्राइस मतलब 3 times, 3y हो जाएगा। इसका सम देखिए, द सम ऑफ मतलब इन दोनों का सम, सम ऑफ किसका, ट्वाइस द फर्स्ट, क्वेश्चन पढ़िएगा, ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड, थ्राइस द सेकेंड, सेकेंड का 3 times कितना बोल रहा है, 92 बोल रहा है, तो यहाँ से हम लोग 92 कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा।
तो यहाँ से फिर से लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। क्या बोल रहा है, 92 तक का हो गया, यहाँ तक का काम खत्म हो गया, ठीक है। एंड फोर टाइम्स द फर्स्ट, मतलब फोर टाइम्स द फर्स्ट, फर्स्ट का क्या, फोर टाइम्स, फोर फर्स्ट के फोर टाइम्स के बारे में क्या बोल रहा है, फोर टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स सेवन टाइम्स द सेकेंड बाई टू। मतलब क्या है कि सेवन टाइम्स दूसरे के सेकेंड के सेवन टाइम्स से कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है। मतलब फोर फर्स्ट टाइम का फोर मतलब कितना, फोर टाइम्स द फर्स्ट इज इक्वल टू कितना, एक्सीड्स द सेवन टाइम्स द सेकेंड बाई टू। मतलब सेकेंड के सेवन टाइम से दो ज्यादा है, यही कहने का मतलब है, ठीक है। उसका मतलब यही हो रहा है, देखिए फोर टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड द सेवन टाइम्स द सेकेंड बाई टू, दो से ज्यादा है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर टू एज्यूम कर लेंगे। अब कुछ नहीं है, सॉल्व कर देते हैं, अभी नहीं मानिए इक्वेशन टू, इसको इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए, फोर एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू टू। अब इसको इक्वेशन नंबर टू एज्यूम कर लीजिए। मेरा कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सबसे आसान लगता है। उसमें क्या करेंगे, देखिए एक्स या फिर वाई मिलाना होता है, वाई मिलाइएगा तो देखिए एक में थ्री सेवन से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, एक में थ्री से, तो उससे ज्यादा आसान है क्या कि बस इसी में हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ फोर आ जाएगा, यहाँ पहले से फोर है, तो सेकेंड वाले में कुछ नहीं करना है, बस फर्स्ट वाले में टू से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे हम लोग, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 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 इंटू टू इंटू टू, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्यों माइनस करेंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो एक माइनस आएगा तभी कटेगा, ठीक है। सेकेंड ठीक है, फर्स्ट इंटू टू करेंगे, ठीक है, तो कीजिए टू, टू इंटू टू कितना, फोर, और यहाँ पे एक्स लिख देंगे, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, टू से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, सिक्स वाई आ जाएगा इक्वल टू, इसको टू से मल्टीप्लाई कीजिए, फोर, और यहाँ पे एटीन आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड में तो कुछ नहीं करना है, बस सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेकेंड वाला इक्वेशन पहले लिख दीजिए ऐसे, ठीक है, माइनस सेवन वाई इक्वल टू कितना, टू, और क्या करना है, मेरे पास सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो साइन चेंज होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका साइन ये हो गया, इसका साइन ये हो गया, इसका साइन ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये हो गया, याद रखिएगा, और इसका साइन ये हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, 4x में से 4x गया, 6y प्लस 7y, अब साइन इसका ये हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13y हो जाएगा, 13y इक्वल का साइन दे देंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया ना। अब हम लोग y फाइंड करेंगे, तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 182 डिवाइडेड बाई 13 कितना से कट जाएगा, ये वन टाइम्स में कटेगा, और ये कितना जाएगा, 5, 4, ठीक है, 13, 4 = 52, मतलब y इक्वल टू 14 आ गया, मतलब सेकेंड नंबर हम लोग को 14 मिल गया, हम लोग को फर्स्ट नंबर फाइंड करना है। कुछ नहीं कीजिए, y का वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए, ठीक है, हम लोग फर्स्ट में ही पुट कर रहे हैं क्योंकि वो आसान सा दिख रहा है, ठीक है, इसलिए। तो लिखिएगा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है, तो पुट करते हैं, मेरे पास फर्स्ट क्या है, 2x plus 3y equal to 92, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, मेरे पास x का तो वैल्यू फाइंड करना है, प्लस का साइन दे दीजिए, 3, और y कितना है, मेरे पास 14 है, तो यहाँ पे 14 कर लेंगे इक्वल टू 92 कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो 2x प्लस कितना हो जाएगा, 42 इक्वल टू 92 आ जाएगा, ठीक है, तो 42 को उधर कीजिए तो 2x इधर ही रह गया, और ये कितना है, 92 है, उसको उधर कर रहे हैं 42 को, तो 92, और ये इधर जाएगा तो मेरे पास 42 माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, मतलब 2x इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50/2 आ जाएगा, मतलब इसको कट कीजिएगा तो 25 आ जाएगा, मतलब ग्रेट फर्स्ट नंबर कितना, 25 आ गया, और सेकेंड नंबर 14 आ गया। इसको लैंग्वेज में थोड़ा सजा लीजिएगा, लिखिएगा हेंस द फर्स्ट नंबर इज, x के बदले क्या लिखेगा, 25, नेक्स्ट लाइन में लिखेगा द सेकेंड नंबर इज, सेकेंड कितना, 14 हो गया, ठीक है, उसको लिखकर बॉक्स में आपको घेर देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो ये थैंक यू स्लाइड आ गया। तो और भी वीडियोज के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, समझने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी दिया गया है,
वहां आप मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियोज के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, देखने के लिए बहुत धन्यवाद। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराइए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।